गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कक्षा 10 विज्ञान अध्याय नंबर हमारा 13वां जो कंप्लीट हो गया था, इसके प्रश्न उत्तर बाकी रह गए हैं विद्यार्थियों। तो प्रश्न उत्तर आज कर लेते हैं कंप्लीट। पाठ्यगत प्रश्न उत्तर हैं हमारे, जो बीच बीच में क्वेश्चन पूछा करता है वो क्वेश्चन आज देख लेते हैं। इसके बाद में कल हम क्या देख लेंगे, जो हमारे पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर जाएंगे अभ्यास क्वेश्चन वो भी कर लेंगे ना। तो आज बात करेंगे पाठ्यगत प्रश्न उत्तर, यानी जो बीच बीच के क्वेश्चन पूछा करता है उन क्वेश्चनों की आज बात करेंगे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, उसको आप देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये आज का कि चुंबक के निकट लाने पर दृढ़ सूचक सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। देखो बीच बीच के क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं। तो आपको दिख रहा होगा आपकी किताब का खंड नंबर 13.1, जिसमें आपका पृष्ठ संख्या 250, पेज नंबर 250 पर देखेंगे आप क्वेश्चन पहला आपका, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन ये है आपका कि चुंबक के निकट, चुंबक के निकट लाने पर दृक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। चुंबक के निकट लाने पर दृढ़ सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है, इसका आंसर लिखेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर चुंबक की सुई को निकट लागते हैं तो दृढ़ सूचक की सुई विक्षेपित क्यों होती है। देखो ध्यान से सुनेंगे कि हम जानते हैं कि दृढ़ सूचक की जो सुई है एक छोटे छड़ चुंबक की तरह होती है, जिसमें उत्तर और दक्षिण दो रूप होते हैं। इसलिए दृढ़ सूचक की सुई को चुंबक के निकट लाएंगे तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण के कारण विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि समान दोनों के बीच तो क्या होता है प्रतिकर्षण, और विपरीत दूरों के बीच में क्या होता है आकर्षण बल लगता है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप, हम जानते हैं कि दृढ़ सूचक की सुई एक छोटे छड़ चुंबक की तरह है जिसमें उत्तर तथा दक्षिण दूर्व होते हैं। इसलिए दृढ़ सूचक की सुई चुंबक के निकट लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि
क्योंकि समान दूर वे क्योंकि समान दूरों के बीच दूरों के बीच प्रतिकृष्ण और विपरीत दूरों के बीच आकर्षण बल लगता है। हम जानते हैं कि द्विसूचक की सुई एक छोटे छड़ चुंबकीय त्रय है जिसमें उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव होते हैं, इसलिए द्विसूचक की सुई चुंबक के निकट लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि समान ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुव के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो पहला क्वेश्चन हो गया है, ये क्वेश्चन दे रखा था। अब पृष्ठ जो आपका खंड नंबर 13.2 है, जहाँ पे पृष्ठ संख्या 255 है, वहाँ पे भी एक क्वेश्चन दे रखा है। तो अगला जो क्वेश्चन आपका वो क्या है उसको नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी छड़ चुंबक के चारों ओर, क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन दो है कि किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। ठीक है, देखो विद्यार्थियों, आपको क्या खींचना है, किसी छड़ चुंबक के चारों चुंबक के क्षेत्र रेखाएं खींचनी है। आपको दिखाई देना एक छड़ चुंबक बना के, आपको नोट्स में लिखाया होगा छड़ चुंबक बनाकर। देखो कैसे लिखा था, ऐसे कोई जैसे छड़ चुंबक थी आपकी, ये ऐसे चित्र बनाया था, ये ऐसे कोई छड़ चुंबक थी आपके ना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये एस ध्रुव थे, ये जैसे एन ध्रुव है, तो छड़ चुंबक क्या होती है, एन ध्रुव से तो निकलती हैं और एस ध्रुव की ओर जाती हैं, तो ऐसे जा रही थी आपको पता हो तो। देखो मैं बता देता हूँ आपको, अब यहाँ से देखोगे ऐसे निकलती है छड़ चुंबक है ना, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं ये, दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं। ठीक है, यह आपका छड़ चुंबक हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। यह आपका छड़ चुंबक है, क्या है, छड़ चुंबक है, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं ना, तो ये किसी छड़ चुंबक के चारों चुंबक के क्षेत्र रेखाएं खींचिए, तो हमने खींच दिए किसी छड़ चुंबक के चारों चुंबक के क्षेत्र रेखाएं खींच दिए। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे जो चित्र है आपका, वो चित्र क्या है आपका, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, तो किसी छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं ये हमने खींच दिए, तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।
अब देखो विद्यार्थियों, इसके पास में ये क्वेश्चन और दे रखा है आपने कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बताइए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं वो आपको गुण लिखने हैं। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा वो क्या है, देखो तीसरा क्वेश्चन ये है कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की क्या बतानी है आपको, सूची बतानी है भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं। तो देखो पहला जो गुण है इसका वो क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती हैं और दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती हैं। तो ये आपका एक पहला गुण हो गया, और तथा एक बंद वक्र का क्या करती है, निर्माण करती हैं, परंतु चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। अगर बाहर की बात करें तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, और अंदर की बात करें तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होगी। ये बातें आपको लिखाई हुई है नोट्स में, लेकिन यहाँ लिख लेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। तथा एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं, परंतु चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। तो ये क्वेश्चन हो गया तीसरा कि चुंबकीय क्षेत्रों के गुण, सॉरी अभी कहाँ हो गया, एक ही गुण हुआ अभी तो ना। तो दूसरा जो गुण है इसका वो है कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। तो तीसरा गुण ये है कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। दूसरा गुण है ये,
इसके बाद आगे देखते हैं। देखो तीसरा जो गुण है इसका वो ये, तीसरा गुण ये है कि कोई दो चुंबकीय क्षेत्र हैं किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो ये भी इसका गुण है कि कोई दो चुंबकीय कोई दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। कोई दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या गुण हैं? ये कंप्लीट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती हैं तथा एक बंद वक्र का निर्माण करती है, परंतु चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा अगर बात करें तो दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, और किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं, और कोई दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इसके बाद इसी पृष्ठ पर अगला क्वेश्चन है। देखो ये जो लिखा है ना, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो क्यों नहीं करती हैं इसका कारण जानेंगे। तो अगला जो चौथा क्वेश्चन हमारा देखो वो क्या है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। तो देखो दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है, चौथा क्वेश्चन ये है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। तो इसका आंसर जानेंगे भाई, ये प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है ना, प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थी इसका आंसर क्या होगा, लिखो। देखो भाई, दो अगर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, मान लो प्रतिच्छेद करती हैं, तब उस बिंदु पर दृढ़सूचक सुई को रखने पर उसकी दो सुइयों दो दिशाओं को संकेत करेगी, यानी इनको दो दिशाओं को व्यक्त करेगी, जो कि दो दिशाएं चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होना संभव नहीं है, तो ये प्रतिच्छेद भी नहीं करेंगी। ठीक है, अगर वो दो क्षेत्र प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो वो उनकी दो दिशाओं को दर्शाएगा, जो कि संभव नहीं है, जो कि क्या नहीं है, संभव नहीं है। तो आप इसका आंसर देखो, मैंने बता भी दिया था, अगर नोट्स में आपने ध्यान दिया तो वहाँ पर बताया था इसका आंसर मैंने। ठीक है, तो उत्तर में जानेंगे इसका, लिखो उत्तर। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तब उस बिंदु पर दृक्सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं उसकी सुई
दो दिशाओं की ओर संकेत करेंगी। चूंकि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाओं असंभव होती हैं, अतः क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, अतः वह प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया है। तो इस पेज के भी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप चलेंगे खंड नंबर जो 13.3 है, पृष्ठ संख्या 256 और 57 पर, 256 57 पर दे रखा है ना, 56 पर भी हैं और 57 पर भी हैं, तो उन क्वेश्चनों की बात करेंगे, है ना। तो देखो भाई वो क्वेश्चन क्या है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा उसको नंबर देते जाएंगे, पाँचवा नंबर दे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर पाँचवा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या है। पाँचवा क्वेश्चन ये है कि मेज के तल पर तल में पड़े तार के वृत्ताकार पास पर विचार कीजिए और मान लीजिए कि इन पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो दक्षिण हस्त अंगूठा नियम को लागू करने के पास के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसका क्वेश्चन देखो ये लंबा है, तो क्वेश्चन को तो मैं बोल के लिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन मैं बोल के लिखा रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए इसका। मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूँ इसके क्वेश्चन को, वैसे तो आपको किताब में भी दिखाई दे रहा होगा। जो क्वेश्चन ये है कि मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पास पर विचार कीजिए। मान लीजिए इस पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पास के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखो विद्यार्थियों आंसर क्या होगा इसका, आंसर देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों इसका भाई आंसर क्या होगा। तो देखो आंसर क्या होगा कि दक्षिण हस्त का जो नियम है वो क्या कहता है उसको ध्यान से सुनेंगे। दक्षिण हस्त का जो नियम है वो क्या कहता है ना, तो देखो इसका आंसर लिखेंगे। आंसर लिखो पहले इसका, इसको समझेंगे। लिखो उत्तर में कि दक्षिण हस्त लिखते चलें, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार यदि आप चालक तार को पकड़े हुए हैं तब अंगूठा विद्युत धारा की दिशा दिशा की ओर संकेत करेगा जबकि अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं
की दिशा दिशा को निरूपित करता है, निरूपित करता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो यह आपको बताया कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार यदि आप चालक तार को पकड़े हुए हैं तब अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को संकेत करेगा, जबकि अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को क्या करेगी, व्यक्त करेगी। क्या करेगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेगी। आपको जैसे नॉर्मली मैं इसका चित्र से समझाऊंगा आपको कि ये जैसे आपका अंगूठा नीचे है ये, तो ये अगर विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा, किसकी दिशा को, विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा, तो जो अंगुलियां आपकी ऐसे मुड़ी हुई अंगुलियां ऐसे मुड़ी हुई अंगुलियों की जो दिशा है वो आपकी हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। कौन सी हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र। तो वो आपका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। अब इसको स्पष्ट करते हैं, क्या करते हैं, इसको स्पष्ट करते हैं। देखो किस प्रकार से इसको स्पष्ट करते हैं। देखो यहाँ तक लिख लिया, अब देखो प्यारे विद्यार्थियों स्पष्ट करते हैं इस नियम को क्या है, तो लिखें स्पष्टतः। देखो स्पष्टतः में क्या है कि वृत्ताकार पाश लिखेंगे, देखो वृत्ताकार पाश यानी कि लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी तथा पास के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पास के लंबवत ऊपर की ओर होगी। तो ये इसका कारण था कि वृत्ताकार पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी तथा पास के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पास के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये क्वेश्चन था आपका, कौन सा क्वेश्चन था भाई, पांचवा क्वेश्चन था जिसका आंसर हमने जान लिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन ये है, आपको दे रखा है कि किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए एक आरेख बनाना है। आपको क्या बनाना है? केवल आरेख बनाना है। तो देखो क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर इसका आरेख मैं बना देता हूँ आपको किस प्रकार से इसका आरेख बनाना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 वो है कि किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। देखो कैसे आरेख खींचेंगे, तो ध्यान देंगे प्यारे विद्यार्थियों, चित्र देखो इसका आरेख किस प्रकार से बनेगा।
मैं आपको बना देता हूँ। देखो एक समान है ना, कैसी है एक समान, तो सीधी रेखाएं खींचेंगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं आने, चुंबकीय क्षेत्र बना देंगे आप। जैसे आप ऐसे कर सकते हो, देखो कैसे मैं बताऊँ आपको, ध्यान से देखेंगे। जैसे हमने किसी रंग से, जैसे मैं बता रहा हूँ ये रंग है हमारा, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, यह हमारा क्या है चुंबकीय क्षेत्र है अलग से, ठीक है, ऐसे कोई चुंबकीय क्षेत्र है ये। अब चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसमें क्या है दिए गए क्षेत्र, ये कोई क्षेत्र है इसमें दिए गए समान है, देखो कैसे है ऐसे कोई समान है, देखो ऐसे एक समान है, ठीक है। ये चुंबकीय बी से लिख दूंगा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा, बी किसको दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। अब आप नीचे लिख सकते हो कि ये चित्र किसका है, तो चित्र लिखेंगे किसका है भाई, कि एक समान चुंबकीय, एक समान चुंबकीय, एक समान चुंबकीय, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र परस्पर समांतर और बराबर दूरी पर वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, जैसा कि निम्न क्षेत्र में दर्शाया गया है। तो ये भी याद रखेंगे, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो परस्पर समांतर और बराबर दूरी वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, ये बात है आप नोट कर लेंगे। तो इस चित्र के नीचे आप इस बात को नोट कर लेंगे, देखो मैं बोल रहा हूँ जिसे नोट करते जाएंगे, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इस चित्र के नीचे नोट करेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र परस्पर समांत और बराबर दूरी वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, जैसा कि निम्न चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, क्या हो गया है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं आगे क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन सातवां देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर सातवां देखो विद्यार्थियों क्या है सातवां, ये छठवां क्वेश्चन कर लिया ना हमने, ठीक है तब सातवां क्वेश्चन करेंगे। देखो सातवां क्वेश्चन ये है कि सही विकल्प चुनिए। देखो आपको क्या करना है, सातवां क्वेश्चन ये कह रहा है सही विकल्प चुनिए। देखो कैसे चुनेंगे भाई सही विकल्प, तो क्वेश्चन ये कह रहा है इसके लिए, देखो क्या है क्वेश्चन है कि किसी धारावाही, किसी धारावाही धारावाही किसी विद्युत धारावाही ऐसे लिखेंगे, किसी विद्युत धारावाही किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र आपको बताना है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसा होता है ना। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, पहला जो ऑप्शन है वो है शून्य होता है, कितना होता है शून्य होता है, ऑप्शन पहला है शून्य होता है। बी इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है,
सी जो इसका ऑप्शन है वो है कि इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। और तीसरा हमारे पास इसका था डी जो ऑप्शन है वो है कि ये सभी बिंदुओं पर समान होता है, सभी बिंदुओं पर। अब देखो कई विद्यार्थियों को तो इसका आंसर आ गया होगा क्योंकि विद्यार्थियों ने क्या किया, परिनालिका पढ़ी है। अगर जिस विद्यार्थी ने परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वगैरह सब पढ़ा है सही तरीके से तो उसका आंसर आ गया होगा कि सभी बिंदुओं पर समान होता है। अब आंसर आप बता देंगे, आंसर सभी को पता है भाई, अगर जिसने पढ़ा है ना वो आंसर बता देगा इसका क्या होगा। विद्यार्थियों अरे ध्यान दो, किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है, सभी बिंदुओं पर कैसा होता है, समान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा कि सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है, सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये सातवां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। सातवां क्वेश्चन क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। अब देखो विद्यार्थियों आठवां जो क्वेश्चन आपका, कौन सा क्वेश्चन है आठवां जो क्वेश्चन है वो क्या है, आठवां क्वेश्चन ये है कि किसी प्रोटीन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। यहाँ एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं, यहाँ एक से अधिक क्या हो सकते हैं, उत्तर हो सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। मैं बोलता जा रहा हूँ क्योंकि किताब में भी है, किताब सबके पास होगी। तो किताब देखो आपको 13.4 खंड दे रखा है, उसका पृष्ठ संख्या 259 पर पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर एक। वो क्वेश्चन है किसी प्रोटोन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। ये क्वेश्चन था आपका, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। और ब्रैकेट में आपको ये भी दे रखा है कि यहाँ एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं। तो देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, इसके ऑप्शन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। पहला ऑप्शन इसका द्रव्यमान, दूसरा जो ऑप्शन है वो है चाल, तीसरा जो ऑप्शन है इसका वो है वेग, और चौथा जो ऑप्शन है वो है संवेग। देखो प्यारे विद्यार्थियों आपने पढ़ा है कि प्रोटॉन का निम्नलिखित कौन सा गुण सही है अगर चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त रूप से गति करते समय परिवर्तित हो रहा है। तो याद रखें वेग और संवेग में क्या होता है, परिवर्तन होगा, किसमें, वेग और संवेग में। तो इसके आंसर होंगे सी और डी, दोनों आंसर सही है इसके, सी और डी दोनों आंसर सही होंगे। तो उत्तर में लिख देंगे आप, उत्तर में आप लिखेंगे कि सी वेग तथा डी संवेग, वेग सी तथा संवेग डी में परिवर्तन होगा क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित होते हैं प्रोटॉन धनावेशित होते हैं जिन पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लगेगा और इसकी दिशा बदल जाएगी।
चूंकि गति की दिशा परिवर्तित होने पर वेग बदलता है तथा वेग बदलने पर संवेग बदलता है, परंतु इसके द्रव्यमान और चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। संवेग बदलता है। तो ये आंसर हो जाएंगे इसके कौन से, सी और डी आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। आंसर कौन से हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, सी और डी इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अभी तो देखो पाठ्यगत जो प्रश्न उत्तर है बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें क्या है, बहुत से क्वेश्चन पाठ्यगत प्रश्न उत्तर है इसमें ना, तो ये अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए हैं अभी तक आपके ना। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, ना तो इस पार्ट में कंप्लीट होंगे, इस पार्ट में भी वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे, तो इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अगले पार्ट में इसके टोटल क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा पाठ्यगत प्रश्न उत्तर, फिर एक अगला जो वीडियो होगा वो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर को बन जाएगा। तो पाठ्यगत प्रश्न उत्तरों का दो वीडियो बना देते हैं, क्योंकि एक वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा, 1.5 घंटे का वीडियो जाएगा, क्योंकि अभी तक 45-50 मिनट जितने क्वेश्चन अभी तक आप 10-12 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो ये 8 क्वेश्चन तो हमने देख लिए हैं, और भी 8-10 क्वेश्चन हैं तो वो अगले पार्ट में देख लेंगे, है ना। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे हैं उनकी चर्चा ही हम कर लेते हैं, भाई कौन कौन से क्वेश्चन हमने देखे हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे हैं, आज हमने स्टार्ट किया था पाठ्यगत प्रश्न उत्तरों की बात की थी, तो ये पाठ्यगत प्रश्न उत्तर हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखेंगे इनको अच्छी तरह से देखेंगे, पाठ्यगत प्रश्न उत्तर उतने वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, एनसीईआरटी के अंदर ज़्यादातर पाठ्यगत प्रश्न उत्तर पूछता है, बीच बीच वाले क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप पढ़ेंगे ना। आज हमने देखा कि चुंबक के निकट लाने पर दृश्य सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। तो देखो विद्यार्थी, हम जानते हैं कि दृश्य सूचक की सुई एक छोटे छड़ चुंबक की तरफ होती है जिसमें उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव होते हैं, इसलिए दृश्य सूचक की सुई चुंबक के निकट लाने पर आकर्षण और प्रतिक्षेपण के कारण विक्षेपित हो जाती है। आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि समान दूरों के बीच में प्रतिकर्षण होता है और असमान दूरों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थी देखा कि एक छड़ चुंबक के चारों चुंबक के क्षेत्र रेखाएं खींचिए, तो हमने किसी छड़ चुंबक के चारों क्षेत्र रेखाएं की, एक चुंबक ले लिया एस और एन, एन दूर से चुंबक की क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद हमने क्या देखा, देखो चुंबक के क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाई कि चुंबक के क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती हैं तथा एक बंद वक्र का क्या करती है, निर्माण करती हैं, परंतु चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है और किसी बिंदु पर चुंबक के क्षेत्र रेखाएं उस बिंदु पर चुंबक के क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। ठीक है, और फिर लास्ट इसका गुण ये देखा कि कोई भी दो चुंबक की क्षेत्र रेखाएं ना वो किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी भी बिंदु पर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अब दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, तो इसका आंसर हमने अगला क्वेश्चन में देखा है कि दो चुंबकीय क्षेत्र हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, तो इसका आंसर मैंने लिखा दिया कि यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तब उस बिंदु पर दृश्य सूचक को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, चूँकि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव होती हैं असंभव होती हैं, अतः क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, अगर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो दृश्य सूचक की सुई क्या है, दो दिशाओं को और संकेत करेगी, इसका मतलब ये होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दो दिशाएं होती हैं जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दो नहीं होती है, ये असंभव है अतः क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। इसके बाद हमने देखा कि दक्षिण हस्त के नियम के अनुसार आप चालक तार के पकड़े हुए हैं और अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को संकेत करता है, तो आपकी अंगुली है ना वो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं की क्या करेगी, वृत्ताकार निरूपित करेगी। इसमें देखा वृत्ताकार पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कागज के तल के लंबवत होती है अंदर की ओर, और पास के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पास के तल के लंबवत ऊपर की ओर होती है, ये हमने देखा। इसके बाद छठा क्वेश्चन देखा कि किसी
दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक समान है तो इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। तो हमने एक आरेख खींचा, ये एक चित्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक आरेख है, तो इसमें समान चुंबकीय क्षेत्रों को क्या बना दिया, लूप बना दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा कि सही विकल्प का चयन कीजिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है। देखो चुंबकीय क्षेत्र है ना परिणालिका के भीतर, सभी बिंदुओं पर क्या होगा, समान रूप से होगा, सभी बिंदुओं पर क्या होगा, समान रूप से होगा। लास्ट क्वेश्चन ये देखा कि इसमें देखो वेग और संवेग में परिवर्तन होगा, अगर प्रोटॉन धनावेशित होते हैं जिन पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण बल लगेगा और इसकी दिशा बदल जाएगी, क्योंकि गति की दिशा परिवर्तन होने पर वेग बदलता है और वेग में परिवर्तन होने पर संवेग बदलता है, तो इस दोनों का ऑप्शन आ जाएगा वेग और संवेग, दोनों ऑप्शन आ जाएंगे वेग और संवेग। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।